Everyone, welcome to Polly's Psychology. I hope you all are doing good. So if you're new to this channel, then please consider subscribing it. और अगर अभी तक आपने मेरे previous videos नहीं देखा है ये series का Psychology by Robert Barron and Mistra का, तो आप जाके देख सकते हैं. इसके previous parts भी मैंने upload कर रखे हैं. और अगर आप मेरे NCERT class 11th and 12th के video playlist भी check नहीं किया है तो आप ईजिली जाके देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. सो लेट्स बिगिन. हम स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर मेमोरी एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी. तो ये सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है? सिमेंटिक मेमोरी एक उस तरीके का मेमोरी है, उस टाइप का मेमोरी है जहाँ पर कि हम जनरल नेचर के इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. And we don't remember acquiring it at a specific time or place, just like in the case of episodic memory. Episodic memory में हमें सब कुछ याद रहता है कि दो साल पहले इस जगह में ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, मुझे ऐसा experience मिला था, और एक एक तरीके से वो हमारे mind में एक episode की तरह fit रहता है. So that is episodic memory. लेकिन सिमेंटिक मेमोरी में क्या हो रहा है, ये बहुत ही मतलब जनरल नेचर का है. इसमें तरह तरह के इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि हम ये नहीं देखना चाहते कि ये इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये सिमेंटिक मेमोरी में कैसे रह रहा है या क्या रह रहा है, कैसे एंटर हो रहा है सिमेंटिक मेमोरी में इतना लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बल्कि हम ये समझना चाहेंगे कि ये इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. क्योंकि जनरल नेचर मतलब समझ रहे हो ना कि किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन जो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द एपिसोडिक और स्पेसिफिक टाइम और प्लेस जिसमें यूज्ड नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे सिमेंटिक मेमोरी में जा रहे हैं. तो साइकोलॉजिस्ट को ये इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहेंगे कि ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं. तो वन सच इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो उन्होंने बताया कि एक कॉन्सेप्ट बोल के एक तरीका है जिसका कि यूज़ हो रहा है हमारे सिमेंटिक मेमोरी में. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? नाउ दीज आर द मेंटल कैटेगरीज और अ मेंटल कैटेगरी फॉर ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स दैट आर सिमिलर टू वन अनादर इन सर्टन वेज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपसे बोलूँगी कि बाईसाइकिल, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल एंड एलिवेटर, ये सब क्या है? सुनने से आपके माइंड में क्या आ रहा है? बाईसाइकिल, एयरप्लेन, ऑटोमोबाइल एंड एलिवेटर, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट फॉर व्हीकल और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड लीची, क्या है ये? चार तरीके के चीज़ों का मैंने नाम लिया, लेकिन ये लोग एक कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट में फिट हो रहे हैं, एंड दैट इज़ नेम्ड बाय फ्रूट्स. उसको हम फ्रूट्स समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट को. तो फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल इज गिवन इन द बुक, द वर्ड्स शूज, शर्ट्स, जीन्स एंड जैकेट्स, ये सब क्या है? ये सब पहनने की चीज़ें हैं ना, हम शूज़ पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं, जीन्स, जैकेट्स, सो दीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोथिंग. सो लेट्स सी कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है हमारे माइंड में, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट का जो मेन फीचर्स और जो रोल है वो हम चैप्टर 7 में देखेंगे. इट हैज़ गॉट इट्स स्पेशल रोल इन कॉग्निशन. कॉग्निशन यानी माइंड का जो भी, ब्रेन का जो प्रोसेसेस होता है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स इन सिमेंटिक मेमोरी सीम टू एग्जिस्ट इन नेटवर्क्स रिफ्लेक्टिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम नोन एज सिमेंटिक नेटवर्क्स. तो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं वो यूजुअली नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं. नेटवर्क इन द सेंस, एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. They are having certain kinds of relationship with each other, and that's why they are known as the semantic networks. In the network model of semantic memory, the meaning of concept reflects its links or associations with other adjoining concept. जैसे मैंने बोला, network इसलिए क्योंकि एक network जो है वो दूसरे network से जुड़ा हुआ है.
they are having some sort of similarities, and that's when they are known as semantic networks. Another view is that the meaning of concept derives from prototypes. ये तो एक रहा कि आप समझ सकते हो concept का इस कदर कि एक category होता है जिसमें कि almost similar things, objects, events ये सब हम group कर सकते हैं. और ये जो concept है, ये जो groups हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ similarities होता है adjoining concepts के साथ, तो इसे हम semantic networks बोलेंगे. इसके अलावा एक अलग तरीका है इसको देखने का कॉन्सेप्ट को कि ये प्रोटोटाइप से डिराइव होता है. प्रोटोटाइप क्या है? प्रोटोटाइप है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन दैट कैप्चर्स एन एवरेज और टिपिकल मेंबर ऑफ अ कैटेगरी ऑफ थिंग्स. नाउ ये भी समवॉट एक ग्रुप जैसा ही है, जैसा कॉन्सेप्ट है वैसे ही आउट ऑफ मैनी एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप होता है जहाँ पे कि वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, आइडलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन होगा विच इज़ कैप्चरिंग ऑल, मतलब एन एवरेज. एक ग्रुप से एक वही ग्रुप का डेटा को लेके जब आप एक एवरेज बनाओगे, एक टिपिकल नोशन बनाओगे मेंबर्स ऑफ द कैटेगरी का, उसे हम कह देंगे प्रोटोटाइप. ना फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि जब भी हम बोलते हैं कि एक म्यूजिशियन है, ओके, और अ गाय इन अ कॉलेज हु इज़ इन्वॉल्व इन और हु इज़ अ गिटारिस्ट. तो अभी जब मैं बोलूँगी कि अभी मैं आपसे बोलूँगी कि अच्छा एक लड़का है वो गिटार बजाता है, इज़ अ गिटारिस्ट, नाइस म्यूजिशियन, तो आपके मन में एक जनरल पिक्चर आएगा कि ओके दैट गाय माइट बी समवॉट स्किनी, हैविंग अ लिटिल लॉन्ग हेयर एंड माइट बी हैविंग अ वेरी कैजुअल सेंस ऑफ फैशन एंड ही मस्ट बी द गिटार गाय ऑफ हिज क्लास और ऑफ हिज कॉलेज. सो ये एक जैसा रॉक स्टार मूवी में, यू नो. सो वी हैव दिस जनरल प्रोटोटाइप, एक एवरेज या फिर एक टिपिकल नोशन होता है हमारा कि हम चीज़ों को ऐसा जो है मतलब जज करके ऐसा डिफाइन कर देते हैं माइंड में कि अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे ही होगा. जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है, पढ़ाई में अच्छा है, UPSC कर रहा है या जो भी, तो हम क्या समझते हैं कि नहीं वो एकदम सिर्फ पढ़ाकू होंगे. आजकल तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाकू वाले सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं और कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है. लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि जो सिर्फ पढ़ाई करता है वो ज़्यादा पढ़ाई पे डिवोटेड हो रहा था, तो उनका जो लुक्स है वो किस कदर आएगा, ग्लासेस होंगे, ग्लासेस लगे होंगे, चश्मा होगा और ड्रेस किस टाइप का होगा, एकदम वेरी बेसिक. बट आजकल क्या है कि आजकल यू नो चेंज हो रहा है वर्ल्ड, तो जो पढ़ते भी हैं वो बाकी सारी चीज़ें भी करते हैं, नॉट नेसेसरीली यू विल मेंटेन दैट काइंड ऑफ फैशन सेंस. सो ये सब हमारे माइंड का एक प्रोटोटाइप है. वेन एवर आई एम सेइंग, यहाँ पे जैसे बुक में एग्जांपल गिवन है कि सपोजिंग आप प्रोफेसर बोलोगे तो आपका सिमेंटिक मेमोरी जो है ना प्रोफेसर, आप जितने भी प्रोफेसर्स को एनकाउंटर किए हो उसका एक एवरेज नोशन को मिला के एक प्रोटोटाइप बना देगा जो कि हो सकता है कि एक एवरेज मिडिल एजड एब्सेंट माइंडेड और स्लाइटली रम्पल लुकिंग मैन है. तो आप बोलोगे कि हाँ हल्का सा मतलब यू नो चिड़चिड़ा हुआ सा मिडिल एज का आदमी है एंड एब्सेंट माइंडेड है, कुछ भी बोल देते हैं ऐसे, तो वो वैसे प्रोफेसर्स हुआ करते हैं. तो ये सारे प्रोटोटाइप्स होते हैं ना. स्टिल अनादर व्यू इज़ गिवन, इट इज़ ऑफ द एग्जेम्पलार. नाउ दिस इज़ रिप्रेजेंटेड इन मेमरी नॉट इन टर्म्स ऑफ एन ओवरऑल एवरेज और अ प्रोटोटाइप, बट ये एग्जेम्पलार क्या होता है, ये एग्जेम्पलार है एन एग्जाम्पल ऑफ द कैटेगरी दैट द इंडिविजुअल कैन रेडिली ब्रिंग टू माइंड. फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे कहती हूँ या फिर जब आप एक वर्ड पढ़ते हो फ्रूट, तो आपके माइंड में रेडिली आ जाएगा एप्पल, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स, कुछ भी. जब मैं आपसे कहती हूँ पेट एनिमल, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा डॉग या फिर कैट. ओके, लाइक दीज आर वेरी बेसिक. तो ये हमारे माइंड में एक एग्जेम्पलार के तौर में एग्जिस्ट करता है. नाउ वन फाइनल क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी कॉन्क्रीट एविडेंस दैट एपिसोडिक मेमोरी एंड सिमेंटिक मेमोरी विच बोथ स्टोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली डिफर. क्या सच में ये डिफर करते हैं, क्योंकि ये दो टाइप्स के मेमोरी हैं जिसमें कि दोनों ही इन्फॉर्मेशन स्टोर करें. एपिसोडिक मेमोरी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है और सिमेंटिक मेमोरी भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है. तो क्या ये लोग एक्चुअल में डिफ़र करते हैं, और अगर ऐसा डिफ़र करते हैं तो हमें कैसे पता चले? तो आंसर है कि हाँ ये डिफ़र करते हैं, और हमें पता भी चला है क्योंकि हमने
रिसर्च मेथड्स का अप्लाई किया है, जहाँ पे कि कुछ मेडिकल पेशेंट्स थे जिन्हें कि कुछ डिजीज़ हो रखा था या कुछ ऑपरेशंस हो रखे थे उनके सर्टन पार्ट्स ऑफ ब्रेन में, एंड वो सर्टन पार्ट्स जो था वो डैमेज हो गया था. तो कहीं पे हमने देखा कि सिमेंटिक मेमोरी जो है वो उनका उतना फंक्शन नहीं कर रहा था, और दूसरे में हमने देखा है कि जो हमारा एपिसोडिक मेमोरी है वो फंक्शन नहीं कर रहा है. सो इन एडिशन अदर रिसर्च यूजिंग PET स्कैन्स और रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम इंडिविजुअल ब्रेन सेल्स इंडिकेट दैट डिफरेंट ब्रेन रीजन्स आर एक्टिव व्हेन इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू रिकॉल जनरल इन्फॉर्मेशन एज अपोज टू इन्फॉर्मेशन दे एक्वायर्ड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट. सो अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ें हम याद कर रहे हैं, रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे उस दिन क्या हुआ था, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ब्रेन स्कैन्स बताता है कि हमारे ब्रेन के कुछ एरियाज एक्टिवेट हो रहे हैं. नाउ अनदर एग्जांपल उसी से रिलेटेड है कि जब हम कोई जनरल इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक मेमोरी जो याद करने के लिए हमने जो भी पार्ट्स यूज़ किया अपने ब्रेन का वो पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है, यानी वो एरियाज या वो रीजन्स एक्टिवेट नहीं हो रहा है उस टाइम में. तो ऑफकोर्स डिफरेंस है, और ऑफकोर्स दो तरीके के मेमोरी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हम क्लियर हो गए. नाउ मेमोरी फॉर स्किल्स, नेक्स्ट इज प्रोसीजरल मेमोरी. व्हाट इज प्रोसीजरल मेमोरी? दिस इज दैट मेमोरी सिस्टम दैट रिटेन्स इंफॉर्मेशन वी कैनॉट रेडिली एक्सप्रेस वर्बली. फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू परफॉर्म skilled motor activities such as riding a bicycle also called as implicit memory. तो procedural memory को हम implicit memory भी बोल सकते हैं. ये वो memory है जिसे कि हम एकदम से words में express नहीं कर पाएंगे या एकदम से words में समझा नहीं पाएंगे हम, whatsoever it is. Now there are countless everyday experiences that we often have in our memories that we cannot readily put into words, and those are known as the procedural memory or the implicit memory. Now ye sab hame kaise pata chalta hai? Given that information stored in procedural memory cannot be described verbally, how can we study it? As we noted in the research methods section, one way is through the priming effect. तो अगर प्रोसीजरल मेमोरी को हम नहीं जान पाएंगे, वो वर्ड्स में बयान नहीं हो सकता, तो हमें पता कैसे चला कि वो एग्जिस्ट करता है? एक रिसर्च मेथड का हमने यूज़ किया, उसको बोलते हैं प्राइमिंग इफ़ेक्ट. उसके इस्तेमाल से हमें पता लगा कि अच्छा, प्रोसीजरल मेमोरी भी होता है, इट डज़ एग्जिस्ट. नाउ द फैक्ट दैट हैविंग सीन और हर्ड अ स्टिमुलस once may facilitate our recognizing it on a later occasion even if we are unaware or that this is happening. So basically this sentence is saying ki priming effect ka ye belief hai ki supposing hum koi bhi ek stimulus se, wo koi word ho sakta hai, koi person ho sakta hai, koi incident ho sakta hai, even whatsoever it is, hum ek stimulus se hamara सामना हुआ, वो हमारे पास आया है या हमने देखा है या सुना है या कहीं से भी, वी हैव सीन और हर्ड और एक्सपीरियंस्ड दैट स्टिमुलस. एंड ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से उस चीज़ पे अटेंशन दिया कि अच्छा ये वो दिखाई दे रहा है, अच्छा ये यहाँ पे ये लिखा है, या हम अच्छा ये बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से अटेंशन दे के सुना है. नो, बस ऐसे कान में ऐसे आ गया या आँखों के सामने ऐसे नज़र में आ गया, हम बोलते हैं ना बस आँखों के सामने से गुजर गया, हमें दिखा नहीं क्या लिखा था या क्या पहना था उसने, ऐसा. तो उस सेंस में भी हमें देखा गया कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो बाद में जाके अगर उससे रिलेटेड कोई चीज़ है ना तो वो मेमोरी में आ जाती है. हम वैसे टाइप की चीज़ों को जल्दी से पहचान लेते हैं. इसी के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं कि उन्होंने प्राइमिंग इफ़ेक्ट को एक डिफरेंस पे बताया है, प्राइमिंग इफ़ेक्ट का यूज़ करके, कि रिमेंबरिंग में और नोइंग में डिफरेंस होता है, क्योंकि रिमेंबरिंग में वी आर एबल टू रिपोर्ट एन इवेंट एंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट अकर्ड, एंड नोइंग इज़ जस्ट द फेमिलियरिटी वी आर हैविंग विद द स्टिमुलस इवन इफ वी कैनॉट रिमेंबर इट एक्सप्लिसिटली. तो रिमेंबर में क्या हो रहा है कि हमारे पास डिटेल्स है कि हाँ मुझे याद है उसने ऐसा पहना था या उसने ऐसा बोला या वहाँ पे वो लिखा था. लेकिन नोइंग में क्या है? नोइंग में जस्ट एक ऊपर से पता है कि अच्छा ये ऐसा है. नाउ इन एन इंट्रिगिंग स्टडी बाय अर्डली एंड डिगास्टिनो इन द ईयर
1989 इन्होंने एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को एक्सपोज किया एक एडजेक्टिव से जो कि रिलेटेड था ट्रेट ऑफ ऑनेस्टी से. ऑनेस्टी जो वर्ड है, ट्रेट है जो हमारे अंदर ऑनेस्टी का, उससे रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव्स उन्होंने मतलब दिया था वन ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स को. फॉर एग्जांपल ऑनरेबल, ट्रूथफुल, सिंसियर, ये सारे एडजेक्टिव्स आएंगे. नाउ द वर्ड्स वे फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन सो क्विकली दैट द पार्टिसिपेंट्स वर अनअवेयर ऑफ देम, दे मियरली सॉ अ ब्लर. इतना क्विकली ये सारे वर्ड्स उन्हें दिखाए गए थे कि वो लोग मैंने माइंडलेसली वो लोग देखे हैं, बस एक देखे मैंने, एक धुंधला सा ब्लर, और वो आगे निकल गया वो स्लाइड, सो अच्छे से पढ़े भी नहीं है. डिफरेंट वर्ड्स अनरिलेटेड टू ऑनेस्टी, अलग तरीके के वर्ड्स जिनका कि ऑनेस्टी से कोई रिलेशन नहीं है, वो वैसे साउंड भी नहीं करें. फॉर एग्जाम्पल लाइक वॉट, लिटिल, मैनी, सो एंड ऐसे, वे आर फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन फॉर अनादर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स. दो ग्रुप्स था, एक को ऑनेस्टी से रिलेटेड वर्ड दिखाया, वो भी एकदम जल्दी जल्दी, वो लोग पढ़े भी नहीं है, पूरा ब्लर था, मैंने दिखाई नहीं है बोलने से चलेगा. दूसरे ग्रुप को ऑनेस्टी से रिलेटेड नहीं, कुछ भी रैंडमली दिखाया है. नाउ लेटर जब बोथ ग्रुप्स को एक दे रेड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इमेजिनरी पर्सन, वन दैट पोर्ट्रेड हर इन एम्बिगुअस टर्म्स, एक इमेजिनरी पर्सन के बारे में फिर से वो लोग को एक दिया गया एक डिस्क्रिप्शन. फाइनली दे रेटेड दिस पर्सन ऑन सेवरल डायमेंशंस, सम ऑफ विच वर रिलेटेड टू ऑनेस्टी. तो एक डिस्क्रिप्शन दिया गया उन्हें एक पर्सन, एक इमेजिनरी पर्सन के बारे में, दोनों ग्रुप्स ने पढ़ा. पढ़ने के बाद उन्हें रेट करना था उस पर्सन को, कुछ डायमेंशंस दिए गए थे कि कैसा है, क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उस टाइप का. और कुछ में ऑनेस्टी भी रिलेटेड था, मैंने ऑनेस्टी का भी एक एरिया था कि उसमें भी आप उसे रेट कर सकते हो. रिजल्ट क्या निकला, जो पार्टिसिपेंट्स एक्सपोज हुए थे ऑनेस्टी रिलेटेड वर्ड से, वो लोग उसे उस ट्रेट में हायर रेट किए देन दोज टू द न्यूट्रल वर्ड. सो इवन दो पार्टिसिपेंट्स वेर अनअवेयर, दे वर स्टिल अफेक्टेड बाय देम थ्रू अ प्रोसेस विच इज नोन एज ऑटोमैटिक प्राइमिंग. तो इसे ऑटोमैटिक प्राइमिंग कहते हैं. उन्हें नहीं पता था कि वो चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी, लेकिन स्टिल दे वर इन्फ्लुएंस्ड, उनके दिमाग में था ये चीज़. तो ये किसका नतीजा है, ये ऑटोमेटिक प्राइमिंग है. प्राइमिंग इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोसीजरल मेमरी. हाउएवर एडिशनल एविडेंसेस भी हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं बाय द वे इन विच मैनी स्किल्स आर रिक्वायर्ड. इनिशियली एज वी लर्न अ स्किल वी थिंक अबाउट वॉट वी आर डूइंग एंड डिस्क्राइब आर एक्शंस एंड वॉट वी आर लर्निंग वर्बली. एज वी मास्टर द स्किल हाउएवर दिस डेक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट नॉलेज इज रिप्लेस्ड बाय द प्रोसीजरल नॉलेज एंड वी ग्रेजुअली बिकम लेस एंड लेस एबल टू डिस्क्राइब प्रिसाइसली हाउ वी परफॉर्म एक्शंस इन क्वेश्चंस. तो इनिशियली हम जब भी कोई एक स्किल सीख रहे हैं, हम उसे सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं कि हमें क्या करना है, एंड उसके बाद हम अपने आप से ही वर्बली लर्न करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सेलरेटर है और यहाँ पे ब्रेक है, मैंने बोला ना तभी मुझे समझ में आया. अब जब मैं करूँगी तो ये वर्ड्स मेरे माइंड में रहेगा ना, तो दिस इज़ वॉट इज़ बींग सेड कि देन वी लर्न वर्बली. और जब हम ये चीज़ को मास्टर कर जाते हैं तो हमारा ये डेक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो इम्प्लिसिट नॉलेज में बदल जाता है, यानी प्रोसीजरल नॉलेज में, एंड दैट्स हाउ वी आर एबल टू लर्न अ स्किल. सो वॉट अबाउट द मेमरी इट्सेल्फ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये मेमरी एक स्किल है जो कि इम्प्रूव हो सकता है. द आंसर इज येस, द मेमरी डज इंडीड इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस. नाउ इसके बारे में चैप्टर के एंडिंग में कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं फॉर इम्प्रूविंग मेमरी, मेकिंग साइकोलॉजी पार्ट ऑफ योर लाइफ वाले सेक्शन में. नाउ फॉर इंस्टेंस कंसिडर द केस ऑफ जे सी, अ वेटर हु वॉज एबल टू रिमेंबर एज मेनी एज 20 डिफरेंट ऑर्डर्स विदाउट राइटिंग देम डाउन. तो ये कैसे कर रहा था, एक वेटर था, वो 20 से भी ज़्यादा डिशेज का ऑर्डर्स जो है वो लेता था लोगों से और उसे याद रहता था, वो लिखता नहीं था. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ हो रहा था और साइकोलॉजिस्ट को मतलब इंटरेस्ट किया, उन्हें लगा कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट ही इज़ नॉट इवन राइटिंग बट करेक्टली सबको याद रख रहा है और ऑर्डर्स दे रहा है लोगों को. तो ये चीज़ काफ़ी फेमस हो गया. तो दो साइकोलॉजिस्ट एरिक्सन एंड पॉल्सन इन द ईयर 1988 उन्होंने इस आदमी के ऊपर स्टडी लगाया
और उन्हें ये पता चला कि ये जो पर्सन है ये एक स्कीम ऑफ एनकोडिंग ऑर्डर्स बनाया है, एक कैटेगरी बनाता था जैसे कि एंट्री टेम्परेचर एंड स्टार्चेस में। टेम्परेचर में रेयर मीडियम कैसा होगा, स्टार्चेस में राइस फ्राइज ये सारी चीज़ें होंगी, कार्ब्स एंड ऑल का। एंट्री में चिकन है, स्टीक है, तो वो ना बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, जैसे हमने बोला ना एक कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप, वैसे एक कैटेगरी बना देता था। उसके बाद वो सारे डिशेस के इनिशियल लेटर्स को लेके एक फ्रेज बना देता, जैसे कि नेमनिक्स में होता है ना, और फिर वो यही वर्ड्स को यूज़ करता एज रिट्रीवल क्यूज़ फॉर द ऑर्डर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई किसी ने ऑर्डर किया है कि स्टीक कुक्ड रेयर विथ फ्राइज, ही माइट फॉर्म द फ्रेज स्यू रेयरली फाइट्स। तो वो सुन के एक नेमनिक सॉर्ट ऑफ और अपने माइंड में बेसिक कैटेगरीज फॉर्म करके वो अपने मेमोरी को इम्प्रूव करके ये सब कर रहा था। नाउ व्हेन ही गॉट टू द किचन ही ट्रांसलेटेड बैक इन टू द ऑर्डर। सो ही यूज़ टू डिवाइस सच फ्रेजेज, और उसी के मदद से वो इतना सारा जो है अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पा रहा था। नाउ द पॉइंट इज दैट ओवर टाइम जेसी बिकेम सो गुड एट यूजिंग दिस सिस्टम दैट ही नो लॉन्गर हैड टू थिंक अबाउट मेकिंग अ फ्रेजेस। ही ऑटोमेटिकली एज ही टुक द ऑर्डर्स, ही डिड इट ऑटोमेटिकली विदाउट राइटिंग देम डाउन एंड कुड कॉन्सेंट्रेट ऑन अम्यूजिंग कस्टमर्स बाय फ्लॉन्टिंग हिज स्किल बिफोर द आइज। तो एक टाइम है कि उसका इतना प्रैक्टिस से इतना इम्प्रूव हो गया कि उसे कुछ बनाना भी नहीं पड़ता था, वो बस सुनता था और वहीं पे ही उसे याद रह जाता था वो सारे फूड आइटम्स एंड जो भी ऑर्डर्स वो लोग दे रहे हैं, और वो अपने कस्टमर्स के सामने ही एकदम अपने स्किल्स को फ्लॉन्ट करता था और कस्टमर्स भी उसके दीवाने बन जाते थे कि अरे ये कैसे इतना ईजिली याद कर लेता है। सो देर आर एविडेंसेस दैट यू कैन इम्प्रूव योर मेमोरी बट विद प्रैक्टिस एंड सर्टन टेक्निक्स। एंड बुक में और भी एग्जाम्पल्स गिवन है, यू कैन गो थ्रू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फर्गेट टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।